पेपर बना रहे थे ना अपने काम के लिए, तो वो पेपर आधा बना आधा नहीं बना, आधा भी जाकर के जेरोक्स निकालना होगा फिर उसको बनाना होगा। तो यहाँ पे मिस्त्री लोग देखे ये बनाए बेलन, क्या बोलते हैं उसको, चौकी। अभी जाकर के पेपर वर्क फुल्ली डन हो गया गाइस, देख सकते हैं अभी सायरा अपनी सारा सब्जी निकाल रही है बनाने के लिए। क्या बनेगा यार? परवल। मम्मी उधर झाड़ू मार रही तो यास्मीन आटा गूंद रही है, अभी ये रोटी बनाएगी। और दरअसल ये हुआ है ना, जो मेरे खालू थे उनका इंतकाल हो गया है, तो कल हम लोगों को जाना होगा मिट्टी में भी। और ये क्या ले रहा है, क्या है रे? दे रहे किसमें? पैसा लो पैसा। देखिए गाइस ये ट्रिक आजमा रहा है, जो भारी रहेगा उसके अंदर पैसा रहेगा, ये दाब दाब करके देख रहा है तो इसके अंदर से पैसा निकलता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी हमको चलना है थोड़ा सा मार्केट, मार्केट इसलिए जाना है क्योंकि कल जो पेपर बना रहे थे ना अपने काम के लिए, तो वो पेपर आधा बना आधा नहीं बना, आधा अभी जाकर के जेरोक्स निकालना होगा फिर उसको बनाना होगा। तो अभी चलिए चलते हैं। और अभी हम किचन में खड़े थे तो यहाँ पे मिस्त्री लोग देखे ये बनाए बेलन, क्या बोलते हैं इसको, बेलन चौकी। तो इस पे रोटी बनेगा और ये इस पे ऐसे करके लगा दिया जाएगा, एक दो तीन ऐसे ही ना लगेगा रे, ऐसे करके लगा देंगे और फिर इसको उल्टा पलटा देगा तो फिर ये बन जाएगा। इस पे आराम से रोटी रोटी बना सकते गोल गोल। और किचन पूरा बन करके रेडी है, देखो बन गया पूरा किचन। अभी कुछ किचन ऐसा लगता है और बगल वाले रूम पे टाइल्स भी लग गया है, इसके बगल वाले रूम पे पूरा रूम कंप्लीट हो गया, अब उसके बगल वाला रूम आज कर रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट, जेरोक्स करके निकलवा के लाते हैं, अभी हम और जमील जाएंगे साथ में। ये अम्मी आ रही है अपना चौकी देखने के लिए जिसमें रोटी बनने वाला, बेलन बेलन चौकी। देखिए अभी मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। अम्मी बन गया, छोटा है इससे बढ़कर रोटी बनते हैं, देखो बना। अच्छा तो है, कितना बड़ा रोटी बनेगा तेरा? बाजरा का रोटी बनाई है गाइस। अच्छा है, बहुत बड़ा है, काफी मेरे मुंह का जितना, मेरे मुंह से ज्यादा बड़ा है। छोटा है रे, बड़ा है। इतना तो बड़ा है, इतना बड़ा रोटी बनाओगे कितना? इतना बड़ा रोटी बनाओगे छोटा है रोटी तो, इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा जाएगा तो पापड़ी मस्त है। तो चलो बनाओ यहाँ पे, रख दो। मस्त तो गाइस चलिए अभी चलते हैं स्कूटी से जाने, जेरोक्स निकलवाने के लिए। गाइस अभी फाइनली हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये रहा स्कूटी, ये रहा जमील, और दादी काम कर रही चूल्हा बना रही है। बन गया दादी चूल्हा? चलिए अभी चलते हैं, चल। गाइस देख सकते हैं सुबह सुबह घर पे साग बन गया, मम्मी बना रही साग। चावल हो गया, चावल बन गया, तो चावल बन गया। इस पे ये डेकची है, इस पे चावल बन गया, अभी साग बन रहा है। और क्या बनाएगी मम्मी? और कद्दू चना दाल दे तरकारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यास्मीन को किसमिस खा रही है। तो आज बनेगा लौकी की सब्जी और साग बन रहा है, जो हमको दोनों नहीं पसंद है, हमको साग बहुत पसंद है। और इसको देखिए सुबह सुबह ब्लॉग देख रही, कल वाला ब्लॉग देखिए गाइस, ये देख रही हूँ, आप लोग भी देखो जल्दी, बहुत इंटरेस्टिंग आता है इस ब्लॉग। तो ये ब्लॉग देख रही है और यहाँ पे लौकी कट चुका है बनने के लिए। सो गाइस अभी जाकर के पेपर वर्क फुल्ली डन हो गया, बहुत सारा पेपर वर्क था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। और मम्मी अभी साइन करेगी अपना पेपर में, और यहाँ हम लोग ऑलरेडी साइन वाइन कर ली। तो चलिए अभी इसको रख देते, पापा आकर के अभी इसको कर देंगे सबमिट। तो मम्मी अभी साइन नहीं किया, मम्मी पोछा लगा रही, घर पहुंच रही है, तो घर पहुंचने के बाद सिग्नेचर कर देगी। तो अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं, मम्मी खुद कर देगी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मिस्त्री टाइल्स लगा रहा, वहां जाते हैं। फाइनली मम्मी अभी साइन कर दिए, अभी ये ऑल पेपर वर्क डन हो गया, तो अभी दे देते हैं पापा को, पापा इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है मम्मी, हो गया फिर? फिर अभी मम्मी लोग यहाँ पे कपड़ा सरिया रही है। सो गाइस सुबह वीडियोस बनाने के बाद हम सो गए थे, और उसके बाद जस्ट अभी उठे, और अभी उठने के बाद अभी टाइम हो रहा है 5:26, तो अच्छा खासा टाइम हो गया। तो मम्मी यहाँ पे मुर्गी सबको अंदर घुसा रही है, जा नहीं रही, गई मैं मुर्गी अंदर, तो मुर्गी सब अंदर चली गई। यहाँ पे ये मुर्गी का बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया, और रूम में मस्त एकदम टाइल्स फिट हो गया, दोनों रूम में टाइल्स लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो पूरा टाइल्स लग गया। और इसको टाइट करने के लिए वापस से पत्थर दिया गया है, जैसा कि कल आप सभी लोगों को बताए थे कि टाइल्स को जमने के लिए उसके ऊपर पत्थर रखा गया, फिर ये सूख जाएगा, तो पकड़ लेगा सीमेंट से, तो फिर ये मस्त हो जाएगा। और ये वाला रूम तो कल ऑलरेडी आप सभी लोगों को दिखा देते, अभी किचन में नीचे टाइल्स नहीं लगा था, आज लग गया। तो चलिए आप सभी लोगों को दिखाते कैसा लगा हुआ है। तो ये देखिए, हम आधा लगा क्योंकि लाइट चला गया था, तो आधा काम नहीं हुआ है, तो वो आज होगा क्योंकि कट कट करके लगाना है। और ये बेसिन का भी कट लगाना है, ये रहा बेसिन जो कि यहाँ पे लगेगा, देखो इसका निशान भी लगा दिया ऐसे करके, यहाँ से यहाँ से यहाँ कट होगा, तो बहुत ही मस्त बन गया। तो चलिए अभी चलते कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा, कुछ खाए नहीं थे, मोमोज नहीं खाते हैं, तो अभी मैक्रोनीज या फिर मैगी बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। और ऐसा लग रहा पानी पानी वाला मौसम है,
मस्त एकदम किया हुआ है। सो गाइस सुबह आप सभी लोगों को ब्लॉग में दिखाए थे कि मिस्त्री लोग वो चौकी बना रहा था जिसपे रोटी बनता है ना, बेलना चौकी, वो चौकी बन करके रेडी है। जैसे कि मैं बेलती हूँ तो इसका देख सकते हैं ऐसे करके बेल रही है। देखिए गाइस इतना ही बड़ा रोटी बनेगा, ये चिपका दिया उन लोगों ने, देखो मस्त बन गया, ये पूरा बन करके रेडी है। गाइस देख सकते हैं अभी सायरा अपनी सारा सब्जी निकाल रही है बनाने के लिए। क्या बनेगा यार? परवल। आज परवल का सब्जी बनेगा, भुजिया खाएगा लाल करके, मतलब भुजिया बनेगा, उसको आलू डाल करके परवल डाल करके उसको लाल करेंगे, ना कि उसका पानी डाल करके सब्जी बनाएंगे, तेल में बस लाल करके फ्राई वाला सब्जी बनेगा, है ना रे? इसको ना हम क्या करते हैं गाइस, तो ये परवल निकाल रहे हैं अभी ना, हम दोपहर में खाए थे लगभग 12:30 बजे के बाद, उसके बाद कुछ भी नहीं खाए हैं, नहाने के बाद हम सो गए थे और अभी हमको बहुत तगड़ी वाली भूख लगी। अभी हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं ये चाय बन रहा है गैस में, और सायरा अपनी जा रही नमाज पढ़ने और मम्मी उधर झाड़ू मार रही, तो यास्मीन आटा गूंद रही है, अभी ये रोटी बनाएगी। और दरअसल ये हुआ है ना, जो मेरे खालू थे उनका इंतकाल हो गया है, तो कल हम लोगों को जाना होगा मिट्टी में भी। मम्मी कुछ भी काम नहीं कर रही, मम्मी को मम्मी रो रही है बस, तो इन लोग सारा काम कर रही है। अभी सारा बाजी जा रही है नमाज पढ़ने, फिर आकर के सब्जी कट करेगी। यास्मीन सान रही है आटा, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमको हम चाय मांगे तो मम्मी चाय भी नहीं बना करके दे रही, तो हमको खुद से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए अभी चाय बनाते हैं, चाय बन ही गया। अभी घर से चाय वाय पीने के बाद बाहर आ गए और अभी टाइम हो रहा है 6:07। तो चलिए अभी हम दुकान के सामने बैठे रोड के पास, ये रहा रोड, ये रहा दुकान, सबको यहाँ पे बैठा हुआ है। नबील है, सलमान है, रियान है, यहाँ पे रियान भी बैठा हुआ है, अमन था जो घर चला गया, और ये रही दादी। तो हम लोग सबको कल आएंगे साहिबगंज, क्योंकि फूफा का इंतकाल हो गया तो वहाँ जाना पड़ेगा। दादी भी जाएगी, सलमान भी जाएगा, अरमान भी जाएगा, और ये ऑटो वाला बहुत आवाज कर रहा है तो रुक जाते हैं अभी, नहीं वो खुद रुक गया, तो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। सर वैसे एक काम है मेरा, दूसरे वाले फोन से काम एक करना है, तो जो काम हम करते हैं अपना मेन वाला यूट्यूब चैनल से वो वाला काम है वो करते हैं, तो वो अभी कुछ देर में, तो चलिए काम करने के बाद आप सभी लोगों से मिलते हैं। देखो इसमें हमारी यहाँ फोटो खिंचा है, मेरा मैं दिल है तो कुछ नहीं तुम प्यार करता, हम नहीं करते हैं। ओ भाई किससे प्यार करता है रही? हमको पता, तुमको नहीं पता है, मम्मी को पता करता अपना। अरे भाई जब अपनी माँ से प्यार करते फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी चलते हैं मैगी लेने के लिए, अभी दुकान के पास बैठे रही, ये रही दादी, ये रहे दादा, सलमान अभी खरीदेगा है ना रे। मैगी किधर है रे? तो मैगी नहीं है पर यिप्पी है, नहीं मैगी है एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस मैगी, ओरिजिनल मैगी नहीं है, अभी एक्सप्रेस मैगी है तो यही खाएंगे। और ये क्या ले रहा है, क्या है रे? दे रहे किसमें पैसा ही पैसा, पैसा लो पैसा। देखिए गाइस ये ट्रिक आजमा रहा है, जो भारी रहेगा उसके अंदर पैसा रहेगा, ये दाब दाब करके देख रहा है तो इसके अंदर से पैसा निकलता है, ये ट्राई कर रहा है किसमें है पैसा। गाइस अभी सलमान ये पैसा लो पैसा लिया है खाने के लिए, तो अभी इसके फाड़ेगा, इसके अंदर से पैसा ही पैसा निकलेगा। फाड़ो, चलो फाड़ो, कितना रुपया निकला रे? कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं पता बेचारा का। इस अभी आ गए किचन में और अभी टाइम हो रहा है 7:20 और मम्मी रो रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खालू का इंतकाल हो गया ना, तो कल हम लोग सबको सुबह में जाएंगे, तो अभी हम मैगी खा रहे थे बस, हमको थोड़ा सा भूख लगा था, तो ये रहा मैगी। ये चूल्हा में चढ़ा दी हम, एक कटोरा है उसमें चढ़ाए, अभी डालते इसको, ये बन करके रेडी है। सारा बाजी प्याज काटने में हेल्प की, बाकी सब कुछ हम बनाए हैं, तो चलिए अब इसको खाते, प्लेट में निकालते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगा है। हाँ ये बंदा को भी सारा बाजी इतना सारा काट दी, तो ऐसे करके डालना है, सॉस लगा दो, सॉस लेकर खाना पड़ेगा दुकान से, घर पे नहीं है। गाइस ये फाइनली बन करके रेडी है, तो अब इसको खाते हो, चेक करते हैं कैसा लग रहा है, वैसा जान हो रहा है, तो चलिए खाने के बाद आप सभी लोगों से मिलते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इसमें ना बंदा को भी बहुत ज्यादा दे दिए सारा बाजी, वैसा जान हो रहा, अभी हम वीडियो को रोक देते हैं। सो गाइस अभी खाना पीना खा लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:28, तो अभी चलते सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह उठ करके साहिबगंज जाना है, खालू का इंतकाल हो गया ना, तो उसका मिट्टी है, तो कल सबको जाएंगे, पूरा फैमिली जाने वाला है, तो कल सुबह 5 उठना है, 6 ट्रेन है, तो सुबह उठ करके नहाना भी पड़ेगा, कपड़ा वपड़ा पहन के फिर जाना भी पड़ेगा, तो सायरा अपी लोग सबको जाने वाले, ये रही सायरा अपी यास्मीन, तो सबको जाएंगे कल सुबह सुबह, अरमान लोग भी जाएगा, तो फिर कल वापस रात को लौट जाएंगे, तो कल का ब्लॉग शायद में भी नहीं बना सकते, या फिर बनाएंगे तो उधर ट्रेन का ही बनेगा, तो देखते क्या होगा, इसलिए अभी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि आज का जो ब्लॉग है उसको एडिट करके अपलोड भी करना है। तो चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो गाइस तो अभी आ चुके हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर सबको बैठा हुआ है, तब यहाँ से राजा जा रहा है मतलब की बैंड बाजा, और यहाँ देदरान चुलकारी नानी मुरा, यहाँ आदमी है, यहाँ जानवर है, यहाँ सरकार है, और यहाँ मोदी सरकार है।